सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, सलार और डंकी मूवी की दोनों की ही ओवरसीज की एडवांस बुकिंग की ऑफिशियल रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है और ये यूएसए प्लस ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि डंकी मूवी ने और सलार मूवी ने जो कि एडवांस बुकिंग दोनों ओवरसीज कंट्री में ओपन हो चुकी है तो कितनी कितनी एडवांस बुकिंग कर ली है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में सलार मूवी ने 4,30,000 डॉलर की एडवांस बुकिंग कर ली है। जी हाँ दोस्तों, जो इंडियन रुपीस में होता है 3.58 करोड़, यानी कि 3.5 करोड़ से ज्यादा की यूएसए सलार एडवांस बुकिंग कर चुकी है। और अगर हम सलार के शो काउंट की बात करें तो 1,000+ शो यहां पर यूएसए में मिल चुके हैं सलार को। वहीं अगर हम डंकी मूवी की बात करें तो डंकी मूवी ने यूएसए से 0.3K डॉलर, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम एडवांस बुकिंग की है, जो कि इंडियन रुपीस में सिर्फ 25,000 रुपए होता है। वहीं पर अगर हम डंकी मूवी के शो काउंट की बात करें तो 350 शो अभी तक इसके एडवांस बुकिंग को ओपन हुए हैं। यहां देखा जाए तो 25,000 की डंकी की एडवांस बुकिंग प्लस दोस्तों 3.58 करोड़ की सलार की एडवांस बुकिंग, कोई कंपैरिजन दोनों में बनता ही नहीं है। 100 टाइम्स ज्यादा सलार मूवी डंकी से आगे चल रही है। वहीं अगर हम दूसरी कंट्री की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से सलार मूवी ने 69,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की एडवांस बुकिंग कर ली है, जो कि इंडियन रुपीस में 37 लाख, यानी कि 37 लाख रुपए होता है। वहीं अगर हम शो काउंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 119 शो अभी तक सलार मूवी को मिले हुए हैं। अगर हम डंकी मूवी की बात करें तो डंकी मूवी ने 5.7K ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, यानी कि 5,700 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की एडवांस बुकिंग कर ली है, जो कि इंडियन रुपीस में 3.13 लाख बनता है। ऑलमोस्ट 3.25 लाख के आसपास की ऑस्ट्रेलिया से डंकी मूवी ने एडवांस बुकिंग कर ली है, जहां पर इसको 557 शो मिले हुए हैं, 57 ओनली डंकी को शो मिले हुए हैं। यहां भी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में सलार और डंकी का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। डंकी की एडवांस बुकिंग हुई है लगभग 3.25 लाख रुपए की, और वहीं पर 37 लाख रुपए की सलार की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 12 गुना ज्यादा होती है सलार की एडवांस बुकिंग डंकी से। इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवरसीज के मार्केट में सलार यानी कि प्रशांत नील यानी कि प्रभास पूरी तरह से छाने वाले हैं, और जो डंकी मूवी है राजकुमार हिरानी की, कहीं ना कहीं वो क्लैश के चक्कर में फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है ओवरसीज का किंग कौन होगा, हमारे किंग एसआरके या हमारे रिवील स्टार प्रभास? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।